हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया से आज मैं आप लोगों के लिए माय करवा चौथ ब्लॉग लेके आई हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है, और जो मेरे चैनल पे न्यू हो तो नीचे दी गई हुई बेल आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आए और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। और यहाँ पे सारी औरतें बैठी हुई हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ, पंडित जी का वेट कर रहे हैं हम लोग, कब पंडित जी आएंगे और कथा सुनाएंगे। और यहाँ पे मंदिर में मैं आई हूँ, और मैं हर साल मंदिर में ही आती हूँ कथा सुनने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सारी देवी देवताओं की मूर्ति हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगी। तो बहुत ही औसम, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और यहीं पे हम लोग, हमारे घर के बगल में, जस्ट बगल में ही है, और यहाँ पे मैं हर साल आती हूँ कथा सुनने के लिए। वैसे भी हम पूजा करना जब होता है ना, तो इसी मंदिर में हम लोग आते हैं। और यहाँ पे पंडित जी का हम वेट करते करते हम थोड़ा सा सेल्फ़ी लेने लगे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेल्फ़ी ले लेती हूँ, और रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और सेल्फ़ी भी ले रही थी। और मैंने कैमरा कर दे दिया जिया को, मैंने बोला जिया आप रिकॉर्डिंग करो, और हम लोग ये यहाँ कथा सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, कब पंडित जी आएंगे और कब कथा सुनाएंगे और कब कथा पढ़ेंगे, मतलब वही मैं बोलने जा रही थी। और तो वही मैं वेट कर रही थी, और यहाँ पे सारी औरतें आ भी रही हैं, और हम सारी औरतें जो है ना सब गोला लगा के बैठ गई हैं और पंडित जी कथा सुनाना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद हम लोग कथा सुन रहे हैं, और उसके बाद जो होता है ना, एक दूसरे की प्लेट एक दूसरे के हाथ में जाती है, फिर वही होगा 5 या 7 बार होता है, मैंने काउंटिंग नहीं किया था, बट इतना ही होता है, या 7 बार होता है या 5 बार होता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा, और अभी शुरू होने वाला, ये देखिए आप शुरू हो रहा है ऐसे ही, मतलब एक दूसरे के हाथ में प्लेटें जाएंगी और ऐसे मतलब 5 या 7 बार करते रहेंगे हम लोग, और उसके बाद जिसकी प्लेट होगी उसके हाथ में आ जाएगी, और जो प्रसाद होता है ना वो पंडित जी को हम दे के तब घर को जाते हैं। और फिर पंडित जी हमें अलग से प्रसाद, जो मंदिर में प्रसाद होता है वो प्रसाद हमें देते हैं, और तब हम लोग घर जाते हैं। तो वही सब यहाँ पे हो रहा है, आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, कथा भी बहुत ही प्यारा सुनाते हैं पंडित जी यहाँ पे। और तो अब हमारा शायद हो गया है या एक बार और अभी बाकी है, तो जैसे मैंने बोला 5 या 7 बार होता है, तो वैसे अभी 1 या 2 बार हो चुका है, 1 ही 2 बार मैं एडिटिंग कर पाई हूँ, बाकी मैंने कट कर दिया था, तो 2 बार का है शायद। मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी और उसके बाद यहाँ पे सारी औरतें बैठी हुई हैं सब, और दो गोले लगे हुए थे, एक गोला इधर को लगा था एक गोला इधर को लगा था। और तो मैं कुछ बोल रही थी, रिकॉर्डिंग करने के लिए ही बोल रही थी, और कि अच्छे से शूट करो, और ताकि मैं अच्छे से ब्लॉग अपने जो मेरी फ्रेंड लोग हैं उनके लिए मैं अच्छे से ब्लॉग शेयर कर पाऊँ, तो वही मैं बोल रही थी। और यहाँ पे फिर भगवान की मूर्तियों का भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैंने बोला था करने के लिए, तो जिया वही रिकॉर्डिंग कर रही थी, फिर वही सही से नहीं कर पाई, फिर भी ठीक है, जैसा किया उसने बहुत अच्छा किया है रिकॉर्डिंग। उसके बाद फिर वही हो रहा है, जो एक दूसरे के हाथ में जो प्लेटें जाती हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो, और बहुत अवश्य बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम कथा मैं सुन रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर कथा संपन्न हो गया है, फिर उसके बाद हम घर को आ गए, और घर पे आते ही फिर मैं छत पे जाने लगी चाँद को देखने के लिए। मैं यहाँ पे अपना दीपक और जो करवा का जल होता है ना, और छन्नी लेके मैं जा रही हूँ वहाँ चाँद को देखने के लिए, और वहाँ पे चाँद निकल गए थे और हमारे छत पे कम दिखाई देते हैं, तो जाऊंगी थोड़ी देर वेट करूंगी, उसके बाद अगर निकलेंगे दिखेंगे तो ठीक है, नहीं फिर थोड़ा सा रोशनी वोशनी देख के फिर हम चाँद देख लेते हैं, या फिर फ़ोन में मोबाइल में देख के हम पूजा कर लेते हैं। फिर वही मैं जा रही हूँ छत पे, और अभी मैं जा ही रही हूँ, सीढ़ियों से जा रही हूँ, और अब मैं छत पे पहुँच गई हूँ, और मैं जाऊँगी अब चाँद को देखूँगी, और फिर अपने हस्बैंड को छन्नी में देखूंगी, पहले चाँद को देखूंगी, फिर अपने हस्बैंड को
मेरे हस्बैंड हैं वहीं पे खड़े हैं, फिर उनको मैं देखूंगी छन्नी से। उसके बाद यहाँ पे वो मुझे पानी पिलाएंगे, और मैं प्रसाद ले गई थी, खीर और पूड़ी और फरा होता है ना, वो भी चढ़ता है शायद। तो उसके बाद ये सब मैं प्रसाद में ले गई थी। यहाँ पे मैं चाँद को देखने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं दिख रहे हैं चाँद। और तो उसके बाद मैं मेरे हबी को देख रही हूँ छन्नी में, और फिर पूजा हो गया हमारा। और उसके बाद वो मुझे पानी पिलाएंगे। अभी मैं अर्घ दे रही हूँ, सॉरी, ये मैं अर्घ दे रही हूँ अभी। मैं जो करवा में जल होता है ना, उसी जल से मैं अर्घ दे रही हूँ। अर्घ देने के बाद अब मैं पाँव छूँगी, और पाँव छूने के बाद फिर वो मुझे मिठाई खिलाएंगे। मिठाई खिला के फिर पानी पिलाएंगे, क्योंकि पति पानी पिलाते हैं ना, तो फिर वो मुझे पानी पिलाएंगे। उसके बाद मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, फिर मैं नीचे आऊँगी, खाना खाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये करवा चौथ का व्रत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है। और ये रहा मेरा पूजा की, जो मैं प्रसाद की थाली थी ना, वो मैं खाने के लिए रखी हूँ। मैंने यहाँ पे खाना खा लिया, मैं सोने जा रही हूँ। तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को मेरे पसंद आया होगा ब्लॉग।